नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगवी के एक और धड़ाके बाज वीडियो में। और आज के गेम प्ले में आगे जाके तुम्हारा भाई दो पोरों से ऐसे बढ़िया तरीके से बदला लेने वाला है कि वो देख के मेरे साथ साथ तुम्हारे दिल को भी ठंडक पे जाएगी। अब ये पोरा किसी से तो भी डर के भाग रहा था। ऐसा मिले नहीं गान दीजिए मारो। वाला यू है लेकिन उसको भी मैं दबोच लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ इस पोर को खोखड़े के अंदर पैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ठीक मेरे नीचे से बहुत ज्यादा गोली चल रही होती है, तो मैं चढ़ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर इन पोरों को देखने के लिए। और फ्रीकी किल उठाने के चक्कर में यहाँ पे मेरे को भी फटके बैठ गए। अब उसके बाद मैं रिकॉल होके फिर से आ जाता हूँ मेन पैलेस पे। मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से आ रहे होते फुटस्टेप। अब उसके बाद यहाँ सामने पे दूर पे जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे गोली चल रही होती है, तो मैं जा रहा होता हूँ उनको देखने के लिए। लेकिन यहाँ से जाते जाते एक किल उठा के जाऊंगा। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस बिल्डिंग पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक टीममेट भी होता है। लेकिन अपने टीममेट को यहाँ पे दबोच लिया जाता है। हुआ जल्दी। और इसको तो दबोच लिया, लेकिन इसने भी अपने टीममेट को पूरा खोखड़े के अंदर पैक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो मैं अपनी उड़ती मच्छी निकलता हूँ जोन के लिए। और यहाँ पे ब्रिज पे से जा रही होती है दो दो गाड़ियाँ। अब मैं करता हूँ इनका पीछा, लेकिन ये लोग रुक जाते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। अब कई ये पूरे मेरे को स्प्रे ना चिपका दे, इसलिए मैं यहाँ पे साइड से आ जाता हूँ पेट्रोल पंप के गच्ची पे। अब ये पोरा यहाँ पे थोड़ा सा दूर चला जाता है और मेरे को यहाँ पे बहुत जोर से लग रहा होता है कि ये पोरा यहाँ पे मेरे को एक ग्रेनेड मार के फेंकेगा। और इससे पहले कि मैं नीचे जाऊँ इसने ग्रेनेड फेंक ही दिया। अब कोई बात नहीं, नाम और कपड़े याद कर लेना, क्योंकि अब बारी है बदले की। खतरनाक अब इनकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि मेरे को जहाँ पे रिकॉल किया जाता है वो जगह पेट्रोल पंप से बहुत ज्यादा पास होती है। तो मैं फटाक से चला जाता हूँ इनसे बदला लेने के लिए। ना ना कच्चू नंबर दे। स्कारल का सिर्फ एक स्प्रे और 5 सेकंड के अंदर इन दोनों से बदला ले लिया। और यही था वो पोरा जिसने मेरे को ग्रेनेड मार के फेंका था। तो इसको और चिढ़ाने के लिए मैं इसको बुक्के मारता हूँ और उसके बाद इसको उठा भी लेता हूँ। अब उसके बाद फार्म का जो रिकॉल होता है यहाँ पे एक के पीछे एक मेरे दो दो टीममेटों को दबोच लिया जाता है। अब इस पोरे को तो पूरा पैक कर दिया, लेकिन मेरे को भी पकड़ लिया गया। अब यहाँ पे मेरा कोई टीममेट होता नहीं, लेकिन अपने पे एक रिकॉल होता है। तो हमारा एक टीममेट कूद जाता है यहाँ पे नोवो के पास और उधर ही हमको रिकॉल कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लूट भरने के लिए मैं आ जाता हूँ नोवो में, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब मैं लूट करने के लिए नोवो में आता हूँ, लेकिन यहाँ पे लूट करने से पहले ही जोन आ जाता है। तो अपने पे सिर्फ यहाँ पे एक UMP है, लेकिन उससे बुरी बात ये हो जाती है कि यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं होती, तो मेरे को जोन पे यहाँ पे पानी के अंदर से पोप होके जाना पड़ेगा। अब मैं जोन के अंदर तो आ जाता हूँ, लेकिन हीलिंग के नाम पे बचे कुचे 4-5 बैंडेज ही है। अब मैं फार्म के रिकॉल पे जहाँ मरा था वहाँ पे आता हूँ लूट करने के लिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे ऊपर चढ़ते नहीं आता और जोन बहुत जोर से यहाँ पे डैमेज दे रहा है, तो मेरे को जोन के लिए निकलना पड़ेगा। अब हाथ में एक UMP लेके मैं निकल पड़ता हूँ पोर को शोधने के लिए। और मैं यहाँ पे पीछा कर रहा होता हूँ उड़ने वाली मच्छी का, जो हमको लेके जाता है यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट के पास। लेकिन यहाँ पे बहुत दबा के गोली चल रही है। अब ये पोरा यहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन इसको अपार्टमेंट से भी बहुत जोर से गोली पड़ती है, तो ये आ रहा होता है यहाँ पे वापिस।
अब यहाँ पे ना बंदूक है ना लूटे और ऊपर से चारों बाजू से गोली पड़ रही है, तो टीममेट को रिवाइव करना तो छोड़ो। अगर मैं भी यहाँ से जिंदा बच गया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं अपने टीममेट को छोड़ के यहाँ से जाने वाला होता हूँ बग्गी में बैठ के। लेकिन ये हरकत देखो,